अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ई रिक्शा का नया वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो मैं पहले जो वीडियो दिखाया था उसमें पुराना वायरिंग को किस तरह से रिपेयरिंग करते हैं वही दिखाया था, तो आज दिखाएंगे कि आगे और पीछे साइड का नया वायरिंग किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम नया वायरिंग करते हैं ई रिक्शा में। तो देखिए इस गाड़ी में हम वायरिंग करने वाले हैं, ये नया वायरिंग है। तो चलिए इसको पहले अंदर से डाल लेते हैं, नीचे से सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो वायरिंग है उसको दिखाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ का वायरिंग दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरह से वायरिंग हम करते हैं। तो देखिए ये बैक साइड है, पीछे का साइड है ये, जहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो इग्निशन वायर है जो सीधा चाबी में जाता है उस वायर को कनेक्शन करेंगे। उसका जो प्लस पॉइंट है वो और माइनस पॉइंट है वो दोनों को पहले लगाएंगे येलो बॉक्स में। ठीक है, येलो बॉक्स में जो रेड और ब्लैक वाला मोटा वाला दो वायर रहता है जो बैटरी से आया है डायरेक्ट, उसके साथ कनेक्शन करेंगे वायरिंग का जो प्लस और माइनस पॉइंट है उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रेड वायर है इग्निशन वायर, उसको हम बैटरी का जो प्लस पॉइंट है वहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब जो माइनस पॉइंट है उसको कनेक्शन करना है। तो देखिए ये जो ब्लैक वाला है इसको भी उसी तरह पीला बॉक्स में लगाना है जो माइनस है उसमें। तो चलिए इसको भी लगा लेता हूँ पहले। तो आप समझ सकते हो कि वायरिंग में जो माइनस पॉइंट है वो फैल गया है। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन देने का मतलब है कि वायरिंग में माइनस पॉइंट चला गया और प्लस पॉइंट जो है वो चाबी के जरिए पूरा वायरिंग में फैलेगा। तो ये है इग्निशन वायर जो चाबी से होके कंट्रोलर में आता है, तो इसको भी कनेक्शन कर दिए। अब ये देखिए ये है रिवर्स वायर, ये कंट्रोलर का, देखिए ये कंट्रोलर का रिवर्स वायर जो है उसके साथ इसको कनेक्शन कर दिए। इसी कलर का और एक वायर रहेगा जो आपका रिवर्स का जो लाइट है, सॉरी जो रिवर्स का हॉर्न है उसमें कनेक्शन होगा। तो चलिए पहले मैं एक्सेलेटर का वायर को कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये देखिए एक्सेलेटर का वायर है, इसको सेम टू सेम लगाना है, जो माइनस है उसमें माइनस, 5 वोल्ट में 5 वोल्ट, और जो आपका इनपुट वायर है उसको इनपुट में लगाना है। तो चलिए जो एक्सेलेटर का वायर है उसको भी लगा दिए। तो ये जो वायर है ये हमारा कन्वर्टर का वायर है। देखिए जो इग्निशन वायर है उसी कलर का एक वायर यहाँ पर रहेगा और जो बीच वाला रहेगा वो 12 वोल्ट का वायर रहेगा, आपको यही देख के मालूम पड़ जाएगा। और अगर अभी समझ में नहीं आता है तो मेरा दूसरा वाला वीडियो एक है दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, उसमें मैं दिखा दिया कि कौन सा वायर किस चीज़ का है, अच्छी तरह से उसमें समझा दिया। तो देखिए इसको मैं कन्वर्टर से लगा दिया। ठीक है, तो चलिए ये वाला जो है ये हमारा स्पीडोमीटर का वायर है, तो इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। स्पीडोमीटर का जो वायर है वो सीधा कंट्रोलर से होके एक सीधा मीटर में चला जाएगा, ये कहीं पे ज्वाइन नहीं होगा, कंट्रोलर से जाके सीधा मीटर में चला जाएगा। और जब भी हम एक्सेलेटर को घुमाएंगे तो मीटर में स्पीड शो करेगा। ठीक है, तो इसको भी कनेक्शन कर दिया हम। तो चलिए इसको भी लगा दिए। आप दूसरा वायर देखिए, ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर का वायर है। तो इस जो गाड़ी है ये गाड़ी में लेफ्ट राइट इंडिकेटर का जो लाइट है वो ख़राब है, इसके वजह से हम इसका कनेक्शन नहीं करेंगे। और जो पीला वाला दिख रहा है वो आपका ब्रेक स्विच है। ठीक है, और ये है आपका जो रिवर्स का हॉर्न है उसका, जब भी रिवर्स का स्विच दबाते हैं तो एक हॉर्न बजता है जो आवाज़ आता है, तो उसका है ये। तो चलिए इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। और ये जो वायर है ये सीधा रिवर्स का वायर से कनेक्शन रहता है 12 वोल्ट, और माइनस सीधा आपका पीला बॉक्स आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर का, तो इसका कोई काम नहीं है, आप लगा सकते हो। अब अगर आपका जो लाइट है वो सही है तो आप लगा सकते हो। इसमें जो लाइट लगा हुआ है इस गाड़ी में
गाड़ी पुराना होने के वजह से ये लाइट ख़राब हो गया था, इसके वजह से लगाया नहीं है इसमें, तो आप चाहे तो लगा सकते हो। आपका अगर वायरिंग पे लाइट सही रहेगा तो इसे प्लग में लगा देने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा वायर को देख लेते हैं, बंद कर दो। तो यहाँ पे और कुछ वायर नहीं है लगाने के जैसा, क्योंकि लेफ्ट राइट इंडिकेटर तो सही नहीं है, इसके वजह से वहाँ पे लगाया नहीं। देखिए वहाँ पे कटा हुआ है, इधर तो है ही नहीं वायर, तो इसके वजह से यहाँ पे लगाया नहीं। आपका अगर होगा सही तो सिर्फ प्लग को वहाँ पे एडजस्ट कर देने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला है ब्रेक स्विच का, जब भी ब्रेक दबाते हो तो पीछे लाइट जलता है, तो इसका भी कनेक्शन नहीं है, ये भी ख़राब है, इसके वजह से इसको भी हम नहीं लगाए। तो आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये भी ख़राब है, ये स्विच भी ख़राब हो गया और जो इसका वायर है वो भी ख़राब है, इसके वजह से इसको भी कनेक्शन नहीं किया हम। तो चलिए पीछे का जो है कनेक्शन पूरा हो गया, अब आगे का देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम लगाएंगे जो हमारा लेफ्ट राइट इंडिकेटर का स्विच है उसको कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इसी में से हमारा जो हेडलाइट है वो भी जलेगा और हॉर्न भी जलेगा। लेफ्ट राइट इंडिकेटर हालांकि नहीं है लेकिन इसमें हॉर्न वगैरह सब कुछ जलेगा, तो इसके वजह से उसको कनेक्शन कर दिए। और ये है हमारा मीटर का, इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। ये प्लग मीटर का है, ठीक है, 6 पिन पर एक ही प्लग रहेगा, तो इसको भी कनेक्शन कर दिए। और ये है 48 वोल्ट का जो मीटर में जाएगा, वो वायर कटा हुआ था उसको भी कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए दूसरा वायर को लगा देते हैं। जो मीटर का 48 वोल्ट देखे आप, उसको जो चाबी से 48 वोल्ट आया है उसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो मैं बाद में उसको जोड़ देंगे, अभी मैं पहले इग्निशन वायर को जोड़ दिया, तो अभी जो जोड़ा वो इग्निशन वायर है। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, ये लाइट का है, ये जाएगा हमारा जो राइट साइड में जो हेडलाइट रहता है उसके स्विच में जाएगा, और ये गया लाइट में, ठीक है, ये आ गया लाइट में, हेडलाइट में, और ये चला जाएगा हमारा जो हेडलाइट का स्विच है उसमें। और अपर डिपर होता है जो आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर वाला प्लग है उसमें से। और ये है फ्लशर, हालांकि इसका कोई काम नहीं है फिर भी मैं फ्लशर को लगा देंगे इसमें, ठीक है। और ये हमारा रिवर्स का वायर, तो चलिए फ्लशर को पहले लगा देते हैं। तो देखिए फ्लशर को लगा दिए, अब जो रिवर्स का वायर है उसको भी कनेक्शन कर देंगे। आपको खाली देख लेना है, वायर को पहचानना है खाली, ठीक है। तो चलिए इसमें रिवर्स को लगा दिया, आप देखिए ये हमारा जो एक्सेलेटर का वायर है, तो इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। एक साथ में इतना सारा वायर देख के अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा डायग्राम देख सकते हो, उसमें एक एक करके सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। तो उसको देखोगे तो ऐसे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग के कमेंट के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाया। तो चलिए एक्सेलेटर का वायर को भी हो गया और फ्लशर को भी कनेक्शन कर दिया। अब देखिए ये एक्स्ट्रा रहता है, यहाँ पे आप म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हो, इसके वजह से ये जो है एक्स्ट्रा रहता है। और ये जाएगा हमारा लाइट में, कोई भी एक लाइट इसमें कनेक्शन कर सकते हो, जो फॉग लाइट हो या कुछ भी, ये हेडलाइट के जो स्विच है उसके साथ कनेक्ट रहता है ये वाला प्लग। तो इसमें आप फॉग लाइट हो या कोई भी लाइट को कनेक्शन कर सकते हो, यार ये वाला हॉर्न रहता है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट रहता है, और जो माइनस पॉइंट है ये वाला, ये स्विच से आता है जो हॉर्न का स्विच है, ठीक है। तो इसमें हॉर्न भी ख़राब है इसलिए उसको भी हम नहीं कनेक्शन करेंगे। इसमें हालांकि सब कुछ कनेक्शन किया हुआ है, आप सिर्फ जो हॉर्न अगर अच्छा होगा तो ये प्लग को लगा देने से ही काम हो जाएगा। तो आप लोगों को एक बार चला के दिखाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट राइट इंडिकेटर का जो वायर है उसको छोड़ दिए, क्योंकि इस तरफ भी ख़राब है, जो लेफ्ट राइट इंडिकेटर का लाइट है वो इधर भी ख़राब है, इसके वजह से इधर भी नहीं लगाए हम। इसको एक साथ मोड़ के जो हेडलाइट है उसके अंदर डाल देंगे सबको, ताकि बारिश में बचा रहे, ठीक है। तो एक बार लाइट जला के देख लेते हैं इसका जो कनेक्शन है बराबर हुआ है क्या।
तो देखिए जो लाइट का कनेक्शन है वो ठीक है। रिवर्स पे भी देख लेते हैं एक बार और गाड़ी को चला के भी देख लेते हैं। तो देखिए गाड़ी भी चल रहा है अच्छी तरह से और एक बार रिवर्स में भी देख लेते हैं कि हॉर्न वगैरह सही से चल रहा है क्या। तो चलिए एक बार पीछे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीछे भी चल रहा है, हॉर्न वगैरह सब कुछ ठीक है। तो इसी तरह से आपको वायरिंग करना है। अब क्या है, ये सब ढक्कन आपको लगा लेना है। तो इस तरह से हम जो ई रिक्शा का वायरिंग है वो करते हैं। इसमें देखिए जो लेफ्ट इंडिकेटर था वो ख़राब था, इसके वजह से उसका कनेक्शन हम नहीं किए। और जो आपका हॉर्न था वो भी ख़राब था, इसके वजह से उसको तो हम जोड़ दिए। खाली अगर हॉर्न नया वाला लगाएगा तो वो खाली जो हॉर्न का प्लग है उसको लगा देगा हॉर्न में, तो काम हो जाएगा। इसका सब कुछ कनेक्शन सही है, सिर्फ उसमें जो इंडिकेटर है वो ख़राब है, इसके वजह से उसका कनेक्शन हम नहीं किए, ठीक है। और जो आप ऐसा वायरिंग करने के बाद जो हेडलाइट है उसको ढक्कन लगा देना, मैं वो वीडियो में नहीं दिखा पाया क्योंकि उस टाइम वीडियो नहीं कर पाया था इसके वजह से। तो आप पूरा कनेक्शन करने के बाद जो आपका ढक्कन है वो सब लगा के फिर रेडी कर देना, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।